गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है आईयूपीएससी में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया एल्केन के लिए कि पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे सेकंड स्टेप है, वो है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था तीन स्टेप, फर्स्ट स्टेप में पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, दूसरे स्टेप में नंबरिंग करना है, थर्ड में लिखना है, ठीक। नंबरिंग के लिए क्या रूल्स होते हैं देखिए, ऐसे फर्स्ट जो रूल है वो है लोएस्ट लोकेंट टू द सबसीक्वेंट, ठीक है। और सेकंड जो रूल है वो है लोएस्ट लोकेंट टू द सबसीक्वेंट अल्फाबेटिकली, ठीक है। ये फिर से वही फर्स्ट स्टेप में ये चेक करना है, सेकंड स्टेप में ये चेक करना है, ठीक है। मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखिए CH3CH, एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो आपने 10th लेवल तक भी पढ़ा है। जैसे ये CH3 है, पेरेंट चेन कौन सा होगा? स्ट्रेट। अब इसकी नंबरिंग करनी है, तो देखिए इधर से मैं करूं, ये हमारा क्या हो गया? सबसीक्वेंट, ठीक है। ये 1 2 3 4, इधर से कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे। अच्छा इधर से कितना था? 1 2 3, ये गलत हो गया। ये जो नंबर आता है ना, इसी को क्या कहते हैं हम? लोकेंट, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2-methyl। और 4 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगी? ब्यूटेन, क्लियर। तो 2-methyl क्या हो गया? ब्यूटेन। और एक एग्जांपल लिखते हैं, देखो CH3 CH CH2 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 CH3, पेरेंट चेन सेलेक्ट करें। तो पेरेंट चेन कौन सा होगा? वही यहां से करें या यहां से? ये जॉइंट है, देखो इधर जाए चाहे इधर जाए एक ही कार्बन मिलेगा, तो कोई सा भी ले लें। फिर से यहां जॉइंट आ गया, आया। अब जॉइंट के बाद इधर जाएंगे तो कितने कार्बन है? 2। इधर भी 2 कार्बन, कार्बन एटम बराबर है तो क्या चेक करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट इसमें एक्स्ट्रा कोई है नहीं, इसका मतलब है कोई सा भी हम ले सकते हैं। तो मैं स्ट्रेट ही ले लेता हूं, ठीक है। आगे बढ़, अब आते हैं नंबरिंग। नंबरिंग करते हैं, देखो इधर से सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे मिल रहा है? 2 1 2 पे मिल रहा है। इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो किधर से स्टार्ट होगा? इधर से होगा या इधर से होगा? इधर से होगा, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मेथिल ग्रुप होता है, याद रखना होता है। ये कौन सा ग्रुप होता है? एथिल ग्रुप होता है, ठीक है, क्लियर। अब एथिल है तो ये किससे स्टार्ट होगा? देखो ई से। और ये मेथिल है, ये किससे स्टार्ट होगा? किससे? एम से। तो हमें कहां से लेना है? अब जब भी एक से ज्यादा सब्सिक्वेंट होंगे तो इनको कैसे लिखना है? अल्फाबेटिकली लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? 3-ethyl, 2 क्या लिख देंगे? मेथिल, ठीक है। और कितने कार्बन है? 5 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेन, ठीक है कि नहीं? सेकेंड एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर यही एग्जाम्पल को देखो मैं इस तरीके से लिख देता हूं, CH3 CH2 CH CH2 CH2 और CH3, ठीक है। देखो अब पेरेंट चेन तो सही क्लियर हो गए, अब नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो इधर से कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है? 3। और अगला कितने पे आ रहा है? 4। 3 पे आया, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर सेम किया 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स, इधर से भी देखो आप कितना कितना आ रहा है, थ्री और फोर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों साइड से सब्सिट्यूएंट सेम आया, यानी पहला पॉइंट सेम हो गया, लोएस्ट लोटेंट टू द क्या सेम हो गया, सब्सिट्यूएंट, अगर ये सेम हुआ तो फिर अगला क्या चेक करेंगे, लोएस्ट लोटेंट टू द सब्सिट्यूएंट क्या अल्फाबेटिकली, यानी उस साइड से नंबरिंग करनी है जिधर से अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो कौन सा आएगा, देखो ये एथिल है और ये मेथिल है, तो एथिल में और मेथिल में पहले किसको देखना है, एथिल को। इसका देखो इधर से करने, वन टू थ्री फोर, ये फोर पे आ रहा है, इधर से करने पे वन टू थ्री, तो ये सही है ये गलत है, क्लियर हो रहा है भाई। मतलब एग्जांपल ध्यान में, अगर इसी को देखो मैं फिर से लिखता हूं, सी एस थ्री, सी एस थ्री समझना है भाई, रटना नहीं है इसमें कुछ भी, सी एस थ्री सी एच सी एस टू सी एस थ्री सी एस टू और सी एस थ्री, फिर से पैरेंट चेन कौन सा होता, ये पेरेंट चेन हो जाएगा। ठीक, अब नंबरिंग कर रही है, तो देखो इधर से जो स्टार्ट किया तो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे मिला है, वन टू पे मिला, और इधर से स्टार्ट किया था वन टू थ्री पे मिला, देख इधर से स्टार्ट करना है इधर से। अब एल्फाबेटिकली नहीं देखना है, एल्फाबेटिकली कब देखना है, जब दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाता, बराबर हो जाता, जैसे इसमें था इधर से भी थ्री नंबर आया, इधर से भी थ्री आया, इधर से फोर आया, इधर से सॉरी इधर से वन टू थ्री, इधर से भी वन टू थ्री, तो फिर अगला क्या चेक करना था, अल्फाबेटिकल, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब इसका नाम लिखते तो क्या हो जाता, थ्री एथिल फोर मैथिल और क्या हेक्सेन, क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसका नाम लिखते हैं, देखो इसमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक एथिल हो गया, मैथिल और मैथिल, हुआ कि नहीं, तो क्या नाम लिखेंगे इसका, देखो ये फोर पोजीशन पे है, तो फोर एथिल, ठीक है। अब मैथिल, मैथिल कौन कौन सी पोजीशन पे, और टू, तो सिमिलर ग्रुप अगर है तो उनको एक साथ लिख देते हैं, टू थ्री कॉमा डाई मैथिल, और कितने कार्बन है, सिक्स, सिक्स के लिए क्या लिख देते हैं, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो ध्यान रखना है भैया ना, यहां पे देखो मैं इसी को यहां पे लिख देता हूं ऐसे, फॉर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, टू अगर सिमिलर ग्रुप है तो टू के लिए यूज होता है भाई डाई, ध्यान रखना है, थ्री थ्री के लिए यूज होता है ट्राई, फोर के लिए होगा टेट्रा, फाइव के लिए क्या यूज होगा, पेंटा, सिक्स के लिए क्या यूज होगा, हेक्सा, सेवन के लिए हेक्टा, एट के लिए ऑक्टा, नाइन के लिए नोना, टेन के लिए डेका, ठीक है, इलेवन के लिए अनडेका, ट्वेल्व के लिए डोडेका, ठीक है कि नहीं, ऐसे आपका कंटिन्यू होगा, क्लियर आ रहा कि नहीं आ रहा ये बात, इस सिमिलर ग्रुप से है। एक ध्यान रखना है, जब भी हम आईयूपीएसी लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, तो ये जो सब होता है डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, जब मैं इधर लिख देता हूं टर्म, ऐसे कि दीज आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फा वर्टिकल ऑर्डर, मतलब क्या था इसका, इसका मतलब ये था कि जब हम इसको अल्फाबेटिकली लिख रहे हैं, देखो एथिल और डाइमेथिल को, तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या लेना है हमको, ई एथिल ई, और इसमें फर्स्ट अल्फाबेट क्या लेना है, एम डी नहीं लेना है,
समझ रहे हैं, डाई ट्राई जो इतना होता है इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। तो आज फर्स्ट अल्फाबेट क्या है इसका, ई, और इसका फर्स्ट अल्फाबेट एम, इसलिए ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। क्लियर हो गया भैया? तो ये रूल्स समझ में आ रहा है कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, लोएस्ट लोकेट, जिधर से भी सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए पैरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद हमको क्या देखना है अल्फाबेटिकली, ठीक है। लेकिन हम और नए एग्जांपल्स लेते हैं इसका, आगे करते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और इसमें हम पहले क्या सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट चेन, और उसके बाद उसकी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। पहला देखते हैं इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा। देखो फिर से ये जॉइंट है तो ये देने चाहिए, देने कोई सा भी कार्बन ले लिया, यहां तक कहाँ आना है, स्ट्रेट जाना है, दिख रहा है कि यहाँ दो है इसमें ज्यादा आएंगे, ये मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। क्लियर? अब देखो नंबरिंग करनी है, ध्यान देना आप, मैंने सभी टाइप्स के एग्जांपल्स यहां लिखे हैं, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आए, ठीक है, तो उसका क्या तरीका है, जैसे आप इधर से नंबर करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन लिख लिए, ये सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आ रहा है, टू, तो यहां मैं टू लिख देता हूं, देखिए यहां लिख देता हूं टू, लिख दिया, ये कितने नंबर पे आ रहा है, थ्री, थ्री लिख दिया, और ये कितने नंबर पे आया, सिक्स। ये जितने भी सब्सिक्वेंट आ रहे हैं जिस जिस नंबर पे, वो नंबर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इधर से करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ध्यान रखना पे, है ना, क्लियर। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, तो ये कितने नंबर पे आया, टू, फिर ये कितने पे आया, फाइव, ये कितने पे आया, सिक्स। ध्यान रखना आप, जितने सब्स्टिट्यूएंट है सबका नंबर लिख लिया, ठीक। अब आप देखो ये टू और ये टू सेम है, हटा दीजिए, फिर अगला चेक करो, ये थ्री है ये फाइव है, तो जिसमें कम नंबर आए वो लेना है, यानी ये सही है ये गलत है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नंबरिंग हो गई। अब इसका नाम लिखना होता तो क्या आ जाता, ये एथिल कितने नंबर पे है, थ्री, तो थ्री एथिल और टू कॉमा सिक्स डाई मैथिल, और टोटल कितने कार्बन है, सात, सेवन के लिए क्या यूज होगा, हेप्टेन। देखोगे कोई डाउट तो नहीं, अभी मैंने आपको बताया इसका फर्स्ट अल्फाबेट ई और इसका फर्स्ट अल्फाबेट, ध्यान रखना है सब्सिक्वेंट अल्फाबेटिकल ही लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, और सब्सिक्वेंट सारे मैंने पहले लिखे हैं, पेरेंट नेम बाद में लिखा है। क्लियर? अगला देखो पेरेंट चेन, ये स्ट्रेट पेरेंट चेन होंगे। अब नंबरिंग करते हैं, हम ध्यान देना पे, ना समझ लो, इधर से करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसमें कितना नंबर आएगा, थ्री, फिर क्या आएगा, थ्री इसका भी है और थ्री इसका भी है, ध्यान रखना जितना सब्सिक्वेंट है उतना नंबर लिखना है, थ्री थ्री और क्या लिख दिया, फोर, तीन है ना, वन टू थ्री, थ्री सब्सिक्वेंट, ये थ्री पे दोनों है, दोनों का लिखना है थ्री कॉमा थ्री। इधर से हम करते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इधर से क्या क्या नंबर आता, इसका कितना नंबर आया, थ्री आया, इसका कितना आया, फोर, और इसका भी फोर आया, आया कि नहीं वो। अब देखो पहला ये थ्री और ये थ्री तो सेम है, अब ये थ्री आ रहा है, ये फोर आ रहा है, आया कि नहीं, इसलिए ये लेना है, ये नहीं लेना है। फिर मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, देखो यहां पे इधर से किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या क्या नंबर आएगा, थ्री कॉमा फोर, ये थ्री पे है, ये फोर पे, इधर से किया वन टू
3, 4, 5, 6, ये कॉम आया 3 और ये भी 4 आया, ठीक है। देखो दोनों नंबर सेम आ रहे, 3, 4 इसमें भी, 3, 4 इसमें भी। तो ध्यान रखना है जब सारे सब्सिक्वेंट का नंबर सेम आएगा तब ही आपको क्या चेक करना है, अल्फाबेटिकली। क्लियर? यानी ये 3, 4 ये भी है, 3, 4 ये भी है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो अब क्या चेक करना है, अल्फाबेटिकली चेक करना है। तो ये एथिल देखो इधर से 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से एथिल कितने नंबर पे आ रहा है, 4। ये गलत हो गया, ये सही हो गया, है? ये हम इसलिए समझ रहे हैं। देखो अभी मैंने जैसे ये एग्जाम्पल लिखा इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है, देखो देखिए यहां पे, यहां गलती क्या हो जाती है, ऐसे लगता है 1, 2, 3, 3 पे इधर से भी आ रहा है, 1, 2, 3 इधर से भी 3 पे आ रहा है, तो लोग फिर क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, अल्फाबेटिकली चेक कर लेते हैं, कैसे, इधर से 3 पे इथाइल आएगा और इधर से कितने पे आएगा, 4 पे आएगा, समझ में आया? लेकिन ध्यान रखना ये गलत है। सही क्या होगा, अल्फाबेटिकली हमें कब देखना है, जब जितने सब्सिक्वेंट हैं वो सब का जो वैल्यू वो आ रहा है लोगेंड, वो क्या आया है, सेम आया है। जैसे इसमें भी सेम आया 3, 4, इधर भी क्या आया 3, 4। अब देखो यहां पे 1, 3, 4, 4 है जबकि यहां 3, 3, 4 है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए ये इसमें अल्फाबेटिकली नहीं चेक करना था, ऐसे नहीं करना। समझ में आ रहा है या नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कब देखना है, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ये फिर से पेरेंट चेन कौन सी होगी। अब आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इस नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? अब आप ऐसे देखना शुरू करो, देखो कंपेरिजन कैसे करना है इसी को, देखो मैं फिर से बना रहा हूं इसी एग्जाम्पल को, देखिए ऐसे देखना है 1, 2, 3, 1, 2, 3 सेम आ रहा है दोनों साइड, आया नहीं, लेकिन यहां 3 पे कितने ग्रुप आ रहे हैं, 2, जबकि यहां 3 पे कितना आ रहा है, 1, इसलिए इधर वाला लेना है 1, 2, 3, इधर वाला नहीं। समझ में आया भाई? जैसे ऐसे समझ लो 1, 2, 3, 3 पे 1, 2, 3, 3 पे ये तो कट गए, बराबर हो गए, तो दूसरा और बचा, ये इधर से आ रहा है 1, 2, 3, इधर से आएगा 1, 2, 3, 4, इसलिए इधर से लेता है। समझ में? जैसे देखो मैं इसमें करता हूं, देखो 1, 2, 2 पे कितना ग्रुप आ रहा है, 1, इधर से 1, 2, लेकिन यहां 2 पे कितने ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए कौन सा लेना, इधर से लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप इसको देखो ऐसे लिखते भी ना, तो कैसे लिखते, 1, 2, 3 ऐसे लिखते, तो यहां 2, 2 होता फिर आगे चलता, आता नहीं, और यहां क्या होता, इधर से लिखता तो 1, 2, 3, तो यहां से मैं 2 करके फिर किस पे आ जाता, 3 पे, तो ये 2 और 2 तो सेम हो गया, फिर ये 2 और ये 3 ये लेना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इधर से 2 पे कितना ग्रुप आया, 1, इधर से 2 पे कितने ग्रुप आए, 2, इसलिए इधर से लेना है, इधर से नहीं, ठीक है। तो नंबरिंग क्लियर हो गई, तो ये नंबरिंग हो गई इसकी डायरेक्ट। और एग्जांपल्स करते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई दिक्कत तो नहीं? नाम हम जब इसका लिखेंगे तो नाम क्या आ जाएगा, कितने मेथिल हैं इस बार, 3, तो इसका नाम हो जाता है देखो 5 एथिल। अब मेथिल किस किस पोजीशन पे, 2, 2, 6 ट्राई मेथिल, ठीक है, और कितने कार्बन है, 7, 7 के लिए क्या यूज हो जाता है, हेप्टेन, है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखो यहां पे ना तक तो क्लियर हो गए, मैं इसको ठीक है नी, यहां सीएच था, सीएच है ना, देखो फिर से पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो पेरेंट चेन कौन सा हो, देखो
फिर से यहां से कहां आना है, नीचे जाएंगे दो कार्बन स्ट्रेट जाएंगे तभी दो कार्बन, लेकिन इसमें एक क्या लगा हुआ है ब्रांच इधर से। देखो भाई कोई डाउट तो नहीं है पेरेंट चेन सेलेक्ट करने में। अब नंबरिंग करते हैं, देखो तो कैसे चेक करना है, वन टू सेम आ गया, सेम आ गया, इसको छोड़ दो, अगला चेक करो। अगला क्या है, वन टू थ्री सेम आ गया, आया कि नहीं हुआ, वन टू थ्री वन टू थ्री। तो जब दोनों साइड से सेम आया तो हम क्या चेक करेंगे, अल्फाबेटिकली चेक करेंगे। क्लियर, अल्फाबेटिकली किधर से आएगा, ये एथिल है, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, तो इधर से होगा। समझ में आ रहा है, मैं फिर से देखो रिपीट करता हूं, वन टू सेम आ गया, छोड़ दीजिए, वन टू थ्री ये भी सेम आ गया। तो फिर अगला क्या चेक करना है, अल्फाबेटिकली चेक करना है, ठीक है, अल्फाबेटिकली इधर से। अब देखो मैं इसको वैसे लिखता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो इधर से कितना नंबर आता, टू कॉमा थ्री कॉमा फाइव कॉमा सिक्स आता से नहीं आता, चार सब्सिक्वेंट तो चार नंबर, इधर से लिखता हूं वन टू, टू आ जाता थ्री आता है नहीं, फिर फोर फाइव और फिर क्या आ जाता सिक्स। देखो सारे नंबर सेम आ गए, आए कि नहीं, सारे नंबर सेम आए तो क्या चेक करना है, अल्फाबेटिकली चेक करना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, तो नंबरिंग ये वाला से आगे कि नहीं हो। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, देखो और पेरेंट चेन कौन सा होगा, देखो फिर से ये यहां से आएंगे, यहां से फिर कहां जाएंगे स्ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग करनी है। देखो कैसे होगा, फिर से ध्यान देना, वन टू, टू पे कितना ग्रुप है एक, वन टू, टू पे कितना ग्रुप है एक, सेम हो गया। अगला वन टू थ्री, थ्री पे कितना ग्रुप है वन, और यहां वन टू थ्री, थ्री पे कितने ग्रुप है टू, तो किधर से आएंगे, इधर से आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। क्लियर हो रहा है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप सारे नंबर लिख लो, नंबर लिखते तो कैसे लिखते, देखो टू कॉमा थ्री कॉमा थ्री कॉमा फाइव कॉमा सिक्स आता, और उधर से करते तो वन टू टू थ्री, फिर क्या आता फाइव कॉमा फाइव कॉमा सिक्स आता ही नहीं आता। देखो टू टू मैच कर गया, थ्री थ्री, अगला इसमें फाइव है, अगला इसमें थ्री है, इसलिए ये नहीं लेते। क्लियर हो गए कि नहीं, है नाम लिखते, तो नाम कैसे लिखेंगे, देखो कितने पे है टू थ्री फाइव, तो एथिल, अब कितने मेथिल हैं, टू कॉमा थ्री कॉमा थ्री कॉमा सिक्स, और कितने मेथिल हो गए फोर, फोर के लिए हमने क्या लिखा टेट्रा टेट्रा मेथिल, और टोटल कितने कार्बन है सेवन, सेवन के लिए क्या यूज करेंगे हेप्टेन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे नेक्स्ट फिर आते हैं अगला एग्जांपल, इसमें देते हैं, है ना, देखो इस वाले में ठीक है कि नहीं, है ना, इसमें देखो पेरेंट चेन कौन सी होगी, देखो यहां से जॉइंट कितना इधर आना चाहिए, इधर जाएंगे तो वन कार्बन और इधर आएंगे तो वन और टू, तो कौन सा लेना है टू कार्बन, एक कौन सा लेंगे, देखो इधर वन टू कार्बन एटम बराबर है, कार्बन एटम अगर इक्वल है तो वापस क्या चेक करेंगे सब्सिक्वेंट, तो इधर एक ब्रांच लगा है इधर नहीं है, इसलिए कहां जाना है नीचे जाना है। देखो पेरेंट चेन हमने पढ़ लिया था, अब नंबरिंग करते हैं, इधर से वन टू पे आ रहा है, इधर से वन टू थ्री पे आ रहा है, तो किधर से लेंगे इधर से, समझ में आया, वन टू ऐसे आगे आप कर लेना कोई दिक्कत नहीं। आगे अगला एग्जांपल देखो, फिर से पेरेंट चेन लेते हैं, देखो ये जॉइंट है, ध्यान देना इस जॉइंट पे इधर दो कार्बन और इधर वन और सॉरी वन टू कार्बन, इधर वन टू थ्री कार्बन, ठीक है, तो ये थ्री कार्बन तो लेना ही लेना है। आगे अब इसके पास चॉइस क्या है, इधर जाए दो कार्बन
ये अभी तो सेम ही दिख रहा है कि सीएच टू सीएच थ्री सीएच टू सीएच थ्री, तो यानी इधर दो कार्बन इधर दो कार्बन इधर भी दो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है बराबर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर बराबर है तो अगला क्या चेक करेंगे सब्स्टिट्यूट, क्योंकि इधर एक सब्स्टिट्यूट लगा है सी थ्री इसलिए लगा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ब्रांच ये पेरेंट चेन अब नंबरिंग करना है। फिर से देखो वन टू टू पे ग्रुप, वन टू इस पे भी ग्रुप है कि नहीं, अगला चेक करेंगे वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, तो किधर से आएंगे इधर से आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब नाम लिखते हैं, देखो एथिल एक ये हो गया एक एथिल ये हो गया, तो थ्री कॉमा थ्री डाई क्या हो जाएगा एथिल, ध्यान रखना डाई नहीं लेना है, तो फर्स्ट अल्फाबेट इसका क्या होगा ई, और मेथिल कितने कितने पोजीशन पे है टू कॉमा फाइव, और फिर से क्या आ जाएगा डाई मेथिल, और टोटल कितने कार्बन है सिक्स, सिक्स के लिए क्या आ जाएगा है। देखो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने आपको अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स लिखे, तो ध्यान रखना है अल्फाबेटिकली आपको तब ही यूज करना है जब सारे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी, क्लियर हो गया। ठीक है मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं जिनका नाम आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है यहां तक क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, जैसे ध्यान रखना आर एच है ना, इसमें से अगर एच को हटा दें तो बना आर, ठीक है ये जो आर होता है इसको हम लोग कहते हैं एल, ठीक है एल कुछ तो आप जानते हैं, जैसे देखो सी एच फोर इसमें से क्या बना सी एच थ्री है ना, तो मैं इधर ही लिख देता हूं इसको, वैसे ध्यान रखने आपको सी एच थ्री इसको कहते हैं भाई मैथिल, ठीक है और शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एमी, ध्यान रखना है ठीक है, क्या लिखते हैं एमी लिखते हैं, ऐसे ही सी एच थ्री सी एच टू है ना, इसको लिखते हैं एथिल, इसको ईटी से डिनोट किया जाता है, ठीक है ऐसे ही सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू स्ट्रेट है ना, इसको लिखते हैं प्रोपाइल, इसको पी आर से भी लिखते हैं, और सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री इसको लिखते हैं आइसो प्रोपाइल है ना, ये याद रखने में है ना आई पी आर से इसको डिनोट किया जाता है और पी आर आई भी लिखते हैं, आइसो प्रोफाइल हो गया क्लियर। आइसो प्रोफाइल में देखो ध्यान रखना इसमें सेकंड कार्बन से है ना, इसमें कहां से जा रहा है सेकंड, इसमें कहां से जाएगा फर्स्ट से जाएगा, चाहे इधर फर्स्ट हो चाहे इधर फर्स्ट हो कोई भी हो, और बीच वाले कार्बन से जाता है तो उसको क्या लिखते हैं आइसो लिखते हैं, ठीक है फर्स्ट अल्फाबेट इसका क्या है आई, ध्यान रखना इसका फर्स्ट अल्फाबेट पी, ठीक है क्या, ये इसलिए है जैसे आपको क्या होगा ऐसे एग्जांपल्स दिए जाएंगे, देखो इस तरीके जैसे आपने कहा सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच ई टी सी एच थ्री ई टी, कहा कि इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, क्लियर तो इसका जब आईयूपीएसी नेम आप लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे आप कि ये जो ईटी लिखा है ईटी इसको पहले आपको क्या करना होगा चेंज करना होगा, कैसे चेंज होगा देखो सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच टू सी एच थ्री, और ये क्या हो गया सी एच थ्री, ठीक है अब पेरेंट चेन आपको सेलेक्ट करना है, तो पेरेंट चेन कौन सी होगी, यहां से स्टार्ट होगा कि यहां से होगा, यहां से होगा क्यों, क्योंकि यहां दो कार्बन यहां एक कार्बन, समझ में आ रहा है, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूं ये, अब इसकी नंबरिंग वन टू थ्री वन टू थ्री सेम ही आ रहा है, इधर से भी कर दो वन टू थ्री फोर फाइव
6। जब सारा कुछ सेम हो तो आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 3,5 डाइमेथिल, ठीक है। और कितने कार्बन हो गए? 7। 7 के लिए हेड। अगर आप ऐसे ओपन नहीं करोगे तो ऐसे लगने लग जाता है, कई बार बच्चे से कर देते हैं ऐसे करके और 1, 2, 3, 4, 5 कर देते हैं डायरेक्ट, ये चेन गलत है। समझ में आ रहा है यार? तो कहीं भी ईटी एमई या पीआर आईपीआर ऐसा कुछ लिखा है तो उसको पहले आपको क्या करना होगा? चेंज करना होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, वैसे सी ऐसे आपको लिख दिया यहां पे, पीआर यहां पे लिख दिया, आईपीआर यहां पे लिख दिया, ईटी और यहां पे लिख दिया एमई, ठीक है, चारों लिख देता और कहा कि इसका आईपीसी नहीं बताओ। तो पहले इसको क्या करना होगा? ओपन करना। ओपन होगा तो क्या बन जाएगा? सी, देखो ईटी का मतलब CH2 CH3 बना, आईपीआर आईपीआर का मतलब कौन सा ग्रुप है? ये लाइन का मतलब यहां से वो जुड़ा बीच वाले कार्बन से, तो CH3 CH3। पीआर पीआर मतलब कौन से कार्बन से हुआ? फर्स्ट, CH2 CH2 CH। तो ये क्या हो गया? एमई का मतलब एक कार्बन से। यानी क्या करना है सवाल में, क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है? हमें ओपन करना, हमने ओपन कर दिया। अब हमें इसका आईपीसी नेम लिखना है। तो फिर पेरेंट चेन देखो, ये जॉइंट है, 3 कार्बन 2 2 1, तो कौन सा लेना है? 3। आगे इस कार्बन तक पहुंचे, अब हमारे पास चॉइस है, इधर तो जाएंगे नहीं, बनी है इधर 2 और इधर भी 2, दो कार्बन एटम अगर बराबर है तो क्या चेक करना है? सब्सिक्वेंट। तो सब्सिक्वेंट किधर ज्यादा है? इधर, इसमें ही ब्रांच लगा इसलिए इसको स्ट्रेट, ये इसका पेरेंट चेन। क्लियर हुआ? अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग किधर से होगी? इधर से होगी, कि उधर से? 1, 2 पे आ रहा है, इधर से 1, 2, 3, 4 पे आ रहा है, तो किधर से लेना? इधर से, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। क्लियर? अब आराम से हम नाम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 3 पर एथिल है, 2 पे मेथिल है, 3 पे मेथिल है, तो क्या नाम हो जाता? नाम हो जाता है 3 एथिल 2 3, क्या हो जाता है? डाई मेथिल, और कितने कार्बन हो गए टोटल? 6। 6 के लिए क्या हो जाता है? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यानी कहीं भी अगर आपको ऐसा दिया है तो उसको आपको पहले क्या करना होगा? ओपन करना होगा। क्लियर, ठीक है। और ये पहचानना पे ध्यान रखना एग्जाम्पल है ना। मैं देखो यहां से एक एग्जाम्पल लिखता हूं, और देखो इस तरीके का है, देखिए ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, ध्यान देना भाई, है ना। पेरेंट चेन हम सेलेक्ट करते हैं कि पेरेंट चेन कौन सा होगा, फिर से आते हैं, देखो ये जॉइंट लेते हैं, है ना। इस जॉइंट पे किधर से लेना है? इधर से या इधर से? इधर से। क्यों आएगा इधर से? क्योंकि इधर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, कार्बन एटम बराबर था। क्लियर? अब इधर आ गए, फिर से यहां आ गए, फिर से आपको क्या चेक करना है? देखो इधर कितने कार्बन मिलेंगे? 2 1 और 2, और इधर से भी कितने मिलेंगे? 2 आएगा। कार्बन एटम बराबर है तो अगला क्या चेक करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट चेक करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कैसे चेक होगा? यहां कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2, और यहां कितना है? 1, यानी ये पहले चेक। देखो कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं नंबरिंग, किधर से नंबरिंग होनी चाहिए? देखो 1 2 1 2, 2 पे कितना सब्स्टिट्यूएंट है? 1, और इधर से 2 पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2, तो किधर से आएंगे? 1 2 3 4 5 6। आगे कि नहीं हो? अब मैं क्या करता हूं, सारे सब्स्टिट्यूएंट को पहले एक अलग अलग लिख लेता हूं। देखो ये मेथिल 2, 2, 2 पे मेथिल हो गए, और एक कितने पे है? 5, ये तो हो गया ट्राई मेथिल। क्लियर? ये 3, अब ये पहचानना है, ये ऐसे 3 कार्बन का है, बीच वाले कार्बन से जुड़ा है,
वो कौन सा ग्रुप होता है? आइसोप्रोपाइल, ठीक है, तो थ्री आइसो प्रोपाइल, क्लियर। और एक फोर, फोर पे क्या है? एथाइल। देखिए ये मैंने लिख दिए है ना, सब्सिक्वेंट जितने भी सब्सिक्वेंट है सब्सिक्वेंट से लिख लिए, और लास्ट में पेरेंट सिक्स कार्बन के लिए क्या आ गया? हेक्सेन। ये मैंने सारे टुकड़े कर दिए, क्लियर। अब हमें ये पता है कि जब भी हम कोई आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो पेरेंट नेम कहाँ आएगा? एकदम लास्ट में आएगा, यानी हेक्सेन तो लास्ट में आएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अब बच्चा ये इन सब्सिक्वेंट को कैसे अरेंज करना है? अल्फाबेटिकल। इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या लेना है? एम, मैथिल। इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या लेना है? आई, आईसो में, ठीक है, और इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या लेना है? तो कैसे लिखेंगे? ई आई, तो सबसे पहले क्या आएगा? ई, तो क्या लिखेंगे? फोर एथिल थ्री, क्या लिखेंगे? आईसो प्रोपिल, क्लियर। और फिर क्या लिखेंगे? टू कॉमा टू फाइव ट्राई, क्या लिखेंगे? मेथिल। और कितने कार्बन हो गए टोटल? सिक्स। सिक्स के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्लियर हो गया मिनिमम? आगे ठीक। अभी एक ध्यान रखना आप लोग है ना, लिखते समय एक्चुअली में क्या होता है, आप ऐसे समझे जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं, सपोज जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं भैया ना, बीरेंद्र गुप्ता, ठीक है, ध्यान देना भैया ना, एक नाम लिख दिया मैंने, बीरेंद्र गुप्ता लिख दिया, ये एक नाम है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें कॉमा लगा दूं तो क्या होगा? ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो कॉमा होता है ना, कॉमा, ये कॉमा दो को सेपरेट करता है। तो जब भी आप आईयूपीएसी नेम लिखते हो तो ध्यान रखना है क्या, कि बिटवीन टू डिजिट्स यूज कॉमा, ठीक है, बिटवीन डिजिट एंड अल्फाबेट यूज हाइपर, हाइपर बोलते हैं जी, ठीक है, ध्यान रखना है। ये जोड़ने का काम करता है और ये सेपरेट करने का काम करता है। मैंने ये लिखा डिजिट और अल्फाबेट, देखो ये डिजिट था, ये अल्फाबेट, तो हमने क्या यूज किया? हाइपर, क्लियर। फिर से ये अल्फाबेट आया, फिर डिजिट आया, फिर से क्या यूज किया? हाइपर। फिर डिजिट से फिर अल्फाबेट आया तो क्या यूज किया? हाइपर, क्लियर हो रहा है। फिर से देखो, अल्फाबेट डिजिट हाइपर यूज किया कि नहीं हुआ? फिर दो डिजिट तीन के बीच में क्या यूज किया? कॉमा। फिर डिजिट से फिर अल्फाबेट आया, फिर से क्या किया? समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना है ना, क्यों? क्योंकि देखो आप ऐसे ध्यान दो, अगर मैं यहां पे डैश ना लगा के इसको ऐसे कॉमा लगा देता, देखो आप क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आपको अब ये लगेगा कि फोर एथिल अलग है और ये अलग है, क्यों है? क्योंकि कॉमा ने उसको क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। इसलिए इन सबको, सॉरी, सबको क्या करता हुआ चलना है? जोड़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और बीच में कभी भी कैपिटल लेटर नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। जैसे ये लिखा तैसे एक्स कैपिटल हेक्सेन नहीं लिखना है, क्लियर। दो अल्फाबेट के बीच में डैश नहीं लगाना, जैसे ट्राई मैथिल लिखा फिर ऐसे डैश नहीं लिखना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमको क्या रखना है? ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कहीं भी आप नाम लिखे तो ऐसे नहीं लिख देना, थ्री कॉमा से ऐसे लिख दिया, इसका मतलब थ्री अलग है ऐसे अलग है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह डैश लगा दूंगा इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, क्लियर हो गया। ये बेसिक था जिसका आपको ध्यान रखना था, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हुआ आईयूपीएसी नेम ऑफ एलपी, है ना। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, जिसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है जी? क्लियर हो गया? यहां तक लिख लो। ये मैंने कुछ
एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिनका आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है, ठीक है, ट्राई करना है, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे बताना, आप लोग उसको दूर करने की कोशिश करें, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया नेमिंग ऑफ एल्कीन, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू।